संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की मांगों को लेकर ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस पूरे मामले में व्यापारियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया। साथ ही कई श्रमिक संगठनों ने जिले के कई शहरों में धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर बर्बरता कर रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेरहमी से रोका जा रहा है। और क्या कुछ कहना है किसानों का जानने के लिए देखिए हमारे रिपोर्ट। हाँ जी, आज प्रदर्शन किया गया किसानों के विभिन्न मांगों को लेके, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, क्या कुछ असल में हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें मुख्य बात यह है कि इस देश का किसान और मजदूर 90 करोड़ है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है। और आज सब में हलचल है, ड्राइवर कंडक्टर्स पूरे के पूरे ट्रक वो जाम हुए, उसका जो ड्राइवर है वो देखता है तेरी जिंदगी में क्या होगा। किसान है उसकी फसल नहीं बिक रही, गंगानगर में किलो 4 रुपए किलो जा रहा, बाग में इसकी तुड़ाई चार तोड़ने के लिए 4 रुपए किलो में मेहनत कर रहा किसान, क्या होगा। नरमे का सब फसल खराब हो गया, कोई नहीं सुनने वाला, मुआवजा छोड़ो कोई किसी आदमी ने हाय नहीं भरी, किसी सरकारी कर्मचारी ने ऊपर रिपोर्ट ही नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में बहुत गुस्सा है और पंजाब इस मामले में अग्रणी है, पंजाब से वो गुस्सा शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है। एक सेक्शन आया है जिसके 50,000 लाख आदमी दिल्ली के पास पहुंच गए, 10,000 ट्रैक्टर पहुंच गए, पर ये और बढ़ेगा और 50,000 लाख 2 लाख ट्रैक्टर आएंगे, यूपी से भी आएंगे और हरियाणा से आएंगे, 3 प्रांत पूरे जाएंगे और राजस्थान का सीकर भरतपुर अलवर ये भी जाएगा और गंगानगर भी जाएगा। ये प्रोग्राम है, अभी हम प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं। आज तो सारे देश का बंद था, किसान के काम का बंद था, किसान की उपज का और मजदूरों की हड़ताल थी, पर इसके बाद 18 तारीख को बैठ के और ये प्रोग्राम बढ़ाएंगे कि उस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे तैयारी की जाए। तो डांग वहाँ भी खड़की है तो यहाँ भी खड़की है, क्योंकि मोदी ने अब ये किया है, पहले तो ये थी कांग्रेस के राज में उस वक्त, अब आ गया उल्टा राज उन्हीं का, तो इसलिए यहाँ से वो शुरू करेगा लाठीचार्ज और रोकना लोगों को, तो इसलिए संघर्ष सारी जगह फैलेगा उत्तरी भारत में। ये प्रोग्राम तो इसकी लड़ाई जो है एक बहुत गंभीर लड़ाई 24 के चुनाव से पहले होगी और वो निर्णायक लड़ाई होगी। मोदी जीतेगा तो इस देश में संविधान नहीं रहेगा और ना कोई बोलने वाला रहेगा, और मोदी अगर इसमें हार गया किसानों से तो मोदी गया, चाहे कितने जोर लगा दे, ये लड़ाई है।